दोस्तों देखिए जया जी कितना पीछे रह गई, थोड़ा परख लेते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग बनाएंगे हरे मूंग का रोटी, क्योंकि दोस्तों कल जया जी का तबीयत बहुत ख़राब था और बुखार था, और दोस्तों दवा लेकर के कल दिए थे हम लोग, तो जया जी का तबीयत थोड़ा सही हो गया है। तो डॉक्टर ने दोस्तों उस तरह का मना किया खाने के लिए जैसा तीखा ही खा, तो आज दोस्तों हरे मूंग का रोटी बनाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। तभी दोस्तों हम लोग जाएंगे खेत में हरे मूंग तोड़ने के लिए। तो दोस्तों चलिए अभी चलते हैं और जया जी को भी लेके चलते हैं। तो दोस्तों खेत पर आ गए हैं और देख सकते हो तसला ले आए हैं, एक तो डंडी लिए हैं, क्योंकि दोस्तों डंडी से ना देखते जाएंगे कोई कीड़ा उड़ा रहता है तो वो हट जाएगा ना। और यहाँ पर दोस्तों बढ़िया ठंडा रहा है, हवा चल रही है, तो जया जी को ले आए साथ में, क्योंकि दोस्तों जया जी थोड़ा घूम लेंगी तो हवा हवा लग जाएगी। चलिए आओ जल्दी 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 आओ दोस्तों। देखिए जया जी कितना पीछे रह गई, थोड़ा परख लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों बढ़िया अच्छा लग रहा है, देख सकते हो चारों तरफ पूरा हरियाली दिख रहा है और खूब अच्छा लग रहा है, हवा भी चल रही है ना, बहुत मस्त दोस्तों अच्छा लग रहा है। तो जया जी को ले आए हैं दोस्तों घूमने के लिए, कि घूम लेंगी थोड़ा तबीयत और सही हो जाएगा। तो दोस्तों खेत में आ गए हैं, देख सकते हो, ये देखिए दोस्तों खेत, इसी में मूंग सारा बोया हुआ है, और दोस्तों जो कच्ची कच्ची होगी हम लोग उसी को तोड़ लेंगे। दोस्तों धूप थोड़ा ज़्यादा निकला हुआ है अभी, तो जया जी बैठ जाएंगे दोस्तों, हम तोड़ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों थोड़ा देर लगेगा तोड़ने में। ये देख सकते हो ये छैयाँ हैं, कितना बढ़िया अच्छी अच्छी हैं और बड़ी बड़ी हैं दोस्तों, इनको तोड़ लेते हैं, और जो पकी पकी हैं उनको नहीं तोड़ेंगे, जैसे ये पक गई हैं। बेटी को देखो उड़ा लेना, तो तोड़ लेते हैं दोस्तों इस तरह की छैयाँ। ये देखिए यहाँ ठंडा रहा है ना, खा लो। इस तरह की तोड़ना देखो, ये देखिए दोस्तों इतना सारा तोड़ लिया है, अभी और तोड़ लेते हैं। हाँ सड़क तक है, उधर तक रोड तक है, आज फरी बढ़िया बड़ी बड़ी फर गई है। हाँ तीली भी सही है, किसी किसी में दाना नहीं है, किसी किसी में दाना बहुत कम है, कीड़ा खा गए हैं ना। ये देख सकते हो दोस्तों इतना सारा तोड़ लिया है मूंग का छैया। अब दोस्तों हम लोग चल रहे हैं घर, और घर में मिलते हैं और बनाते हैं इनका रोटी, बहुत ही मस्त बनता है। अभी काफ़ी ज़्यादा दोस्तों गर्मी लग रही है, क्योंकि दोस्तों अभी हवा बंद हो गई है ना, तो चलिए अभी चलते हैं घर हैं। तो दोस्तों घर पर आ गए हैं, देख सकते हो, और दोस्तों जया जी यहाँ पर बैठ गई हैं, और ये रही छैया, थक गई हो क्या दोस्तों? जया जी थक गई है ना, चले जाते, थोड़ा दूर में था तो दोस्तों इसके लिए, क्योंकि दोस्तों कल तबीयत भी ख़राब था ना जया जी का, तो मतलब इसके वजह थोड़ा थकी ज़्यादा लगती है ना। तो चलो फिर इनको दोस्तों अभी हम छीलेंगे, तो चलिए पहले इनको छील लेते हैं फटाफट से, फिर बाद में दोस्तों इनका आगे काम करेंगे ना। ये बोर इधर डाल लो, इसी में डाल लो, डाल दो। अब इनको अभी निकोते हैं, अभी काफ़ी सारी बची है ना निकोने के लिए, तुम आराम कर लो ना। ठीक तो है अभी, ठीक हो जाएगा ना। दवा लेके आए थे दोस्तों अच्छी वाली, डॉक्टर से लेके आए थे, तो मतलब काफ़ी ठीक हो गया है। हाँ अभी ये रोटी खिलाएंगे पहले जया जी को, फिर बाद में दवा खाएंगे ना। देखो ऐसे ही निकोना पड़ता है, टाइम लगता है ना, इनमें टाइम ज़्यादा जाता है दोस्तों निकोने में। इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे करके ऐसे में ज़्यादा खुल जाते हैं। इतना ही हवा पड़ जाता, इतना ज़्यादा देखना तो मैं इन्हीं को दिया। अच्छा इस तरह से हो जा रहा है ना, हो जा रहा है, इस तरह में जल्दी निकलता है। अच्छा। देखो बेटी को किस तरह देख रही है, इधर नहीं दिख रही है।
आज बेटी हमारी घूम आई है दोस्तों बहुत दूर से। तो दोस्तों देख सकते हो निकोलिया है पूरा, इतना सारा दाना निकला है और दाना इतना दोस्तों बहुत है हमारे लिए। और ये देखिए दोस्तों इतना सारा छोकला पूरा निकला है, इसको दोस्तों फेंक देते हैं। और ये दाना को अभी हम धुल के पीसेंगे, पहले ना धुल करके दोस्तों पहले बांट लेते हैं। तो चलो फिर पहले सिलौटी ले आते हैं, तो तुम एक साइड में तुम बैठो, तुम मत लाना, मैं लेके आता हूँ। मिट्टी को देखो थोड़ा सा खिला लो उसको। दोस्तों हम सिलौटी ले लेते हैं, सिलौटी यहाँ पर रखी है, सकरे उधर में रखी है दोस्तों। तो बाहर रख लेंगे, बाहर थोड़ा सा उजेला है, अंदर अंधेला हो जाता है, तो वहाँ पर सही नहीं रहेगा ना, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों इसमें बांटने में। दोस्तों इतने दाने निकले हैं, अब हम निकाल लेते हैं सिलौटी सिलबट्टा, क्योंकि दोस्तों उसी में पीसेंगे इसको। यहाँ पर अंदर रखी तो निकाल लेते हैं। ये आ गया लोढ़वा और ये सिलौटी। ये वजन बहुत है ना, ये वजन बहुत है दोस्तों, इतना वजन नहीं होना चाहिए, लेकिन वजन होती है तो जल्दी फूटती भी नहीं है ना, नहीं तो जल्दी फूट जाती है, कहीं ठोकर लगे तो फूट जाती है। तो चलो सिलौटी निकालेंगे, आओ थोड़ा सा धुलना पड़ेगा ना, चलो धुल के लेके आते हैं। तो चलो फिर आओ। तो दोस्तों इसको धो लाते हैं, हाँ चलो। आज धूप थोड़ा ज्यादा है ना, कौन सी धो लो। डाल हो गया ना, पानी अच्छा दो ना पहले, वैसे सब अच्छा दो उस तरह हाथ में आ जाएगा, जो आ जाएगा था ना सब अच्छा दो। हाँ बस बिस्कुट डाल दो उसमें, अभी एक बार और धोल दो, इसमें पानी डाल कर छाड़ दो पूरा, ये देखो गिर जाएगा। हो गया बस, इसको पानी भर को निकाल गिरा दो, हो गया। तो दोस्तों इसको धुल ले आए हैं, बढ़िया अच्छे से साफ हो गया है। अब ये दाना को पहले बांट लेते हैं, पीस लेते हैं, एकदम महीन करके पीसेंगे सिलौटी में। हाँ तो चलिए पीस लेते हैं दोस्तों। हाँ डाल दो, थोड़ा सा नमक डाल दो, ठीक है बस थोड़ा नमक डालें दोस्तों। जय जी देख सकते हो, तुम मत पीसो, मैं पीसता हूँ। ठीक है ना, नहीं तो रहने दो, मैं पीस दूंगा ना, तुम मत कर, रहने दो, ये मैं पीस देता हूँ, छोड़ो। बहुत पीस रहा है ना रोटी। हाँ देखिए दोस्तों कितना अच्छा पीस रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है, इसकी रोटी बहुत मस्त बनेगी दोस्तों। आराम न लगे ना तो बताना, मैं पीस लूँगा। लो मैं पीसता हूँ, ले आओ दोस्तों। हम पिसवा लेते हैं ना, जय जी वो थोड़ा सा कल बुखार था ना, तो इसके लिए अभी दिक्कत में थी, तो थोड़ा पीस देंगे तो आराम, उनको ज़्यादा काम नहीं देना ना, ज़्यादा काम करेंगे तो और दिक्कत हो सकती है।
तो पीस गया है, ये देख सकते हो दाना, मूंग के दाना पूरे पीस लिए हैं एकदम अच्छे से। अब इसमें दोस्तों आटा में डालेंगे, देखिए जया जी आटा में डाल रही हैं, ये आटा है क्योंकि इसके भर दोस्तों नहीं बनेंगे ना तो तैयार नहीं होगा, और ऐसा आटा डालेंगे तो थोड़ा रोटी ज़्यादा बनेगी, है ना। हाँ खाने में ऐसा बहुत मस्त लगेगा दोस्तों। तो हो गया ना, लो अच्छा मिला दो। अब दोस्तों आटा लगाएंगे जया जी इसका, और देखिए किस तरह से लगा रही हैं, बड़े ना ऐसे करके सान के। अभी पानी डालना पड़ेगा ना, आज गर्मी कुछ ज़्यादा हो रही है, अब ज़्यादा हो रही है। सुबह टाइम में 10 बजे के लमसम थोड़ा ठीक था, और अभी जितना टाइम आगे हो रहा है उतना ज़्यादा गर्मी अभी लग रही है। जितना मतलब 1 बज गया है ना, गर्मी बहुत लग रही है। हाँ अभी गर्मी ज़्यादा हो रही है दोस्तों, हवा बंद है ना, हवा चलना बंद हो गई है। हाँ ठीक है दोस्तों, हम तब तक चूल्हा जला देते हैं, और वहाँ पर एक लकड़ी रखी थी उसको ले आते हैं। पहले यहाँ पर रख दिए थे दोस्तों, ये देखिए ये रखी है, बेटी हमारी रो रही है। ये बोरी में दोस्तों चैला भर के रखना पड़ता है क्योंकि दियार लग जाती है हमारे यहाँ पर, थोड़ा सा पानी पड़ जाएगा जहाँ दियार लग जाएगी तुरंत, और दियार के चलते पूरा चैला बर्बाद हो जाएंगे, इसके लिए हम ये भरना पड़ता है, नहीं तो बोरी में नहीं भरते। दियार का इतना डर रहता है, अभी इस टाइम में लकड़ी है भी नहीं तो यही जुगाड़ रहता है। तो देखिए दोस्तों जय जी ने आटा कैसे मार रही हैं, एकदम बढ़िया मार दिया अच्छे से। हरी रोटी बनेगी ना। तो दोस्तों अब रोटी बनने जा रही हैं, ये देख सकते हो जय जी का चूल्हा एकदम भर गया है, जल रहा है खूब अच्छे से। और दोस्तों बिटिया हमारी रो रही थी काफ़ी तेज से, तो इसके लिए इसको ले आए हैं ना। कैसे पाओगी, तेल से कैसे, पानी से नहीं, तेल से पाओगी, ठीक। हाँ तेल से पाओ, तेल से अच्छी रहती है ना, तेल से दोस्तों पाएंगे जया जी रोटी को, और तेल से पानी से बहुत ही अच्छी बनती है ना। कितनी बनाओगी, ये देखिए दोस्तों कैसे जया जी रोटी बना रही हैं। हाँ बेटो नाम लग रहा है क्या, घाम धूप लग रहा है बेटे के, रो भी रही है तो ऐसे घाम लगेगा ना, अभी सर इधर धूप है तो क्या करें। डालो वो देखो पड़ गई रोटी कितना मस्त, ये देख सकते हो दोस्तों कितना बढ़िया रोटी बनी है ना, एक नंबर रोटी बनी है। खाने में दोस्तों तो इसका स्वाद बहुत ही मस्त आएगा। इसको पहलो पड़ता है। हाँ दोस्तों एक रोटी अभी बन रही है, उसको पलटा दिया है जाजी ने, और बहुत ही मस्त दिख रही है, खाने का स्वाद भी बहुत अच्छा रहता है ना। हरी हरी रोटी बनेगी दोस्तों, ये देख सकते हो बिल्कुल हरी हरी रोटी है, और खाने का स्वाद बहुत मस्त रहेगा, एक नंबर। और वो पड़ गई रोटी दूसरी वाली, चार ठो बनेंगी ना, चार रोटी बनेंगी दोस्तों। तो चार रोटी खाएंगे और जया जी को खिलाएंगे ज़्यादा करके, क्योंकि दोस्तों जया जी के लिए ज़्यादा करके हम लोग बनाए थे, क्योंकि तबीयत सही नहीं था तो इसके लिए मतलब कुछ उस तरह का नहीं खाना था उल्टा पुल्टा। हाँ और ये रोटी फ़ायदा भी करेंगे और अच्छी भी लगती हैं। और लगा तो लकड़ी नहीं तो फूंक दो बेटे, किधर को देख रही हो, रोना चालू करती है तो रोटी, बेटी बहुत रोती है हमारी, परेशान कर देती है, फिर लेना ही पड़ता है नहीं तो रहती नहीं है दोस्तों, इतना रोती है। पलटा दो उसको,
देखो कितना बढ़िया पकी है ना, तभी में मस्त पक जा रही है। अरे टुक टुक टुक, चुप 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 चुप, बैठने का मन कर रहा है बेटी बैठने का, खड़े खड़े थक गई ना। हाँ बेटा शांत शांत शांति रखो, शांति रखो, क्या चाहिए, शांति रखो। एक तो पक गई दोस्तों, ये देखिए, हाँ चुप 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 चुप, ये देखो ये देखो, ये परेशान कर रही है, परेशान कर रही है। शांति बच्चा, लो ये लो। ये देखिए दोस्तों, रोटी बन के एकदम तैयार हो गई है और बहुत मस्त रोटी लग रही है। तो चलेंगे दोस्तों अभी अंदर, और पहले रोटी जैसी खाएंगी, फिर दवा खाएंगी, फिर बाद में दोस्तों आगे का काम होगा ना। हाँ तब थोड़ा ठंडक महसूस हो रही है। और दोस्तों बेटी को जो लेटा दिए थे, क्योंकि बेटी चुप हो गई थी, अब हवा चल रही है ना, तो अभी तो रो नहीं रही है। तो चलिए दोस्तों अभी खाना खा रहे हैं हम लोग, और रोटी खाएंगे दोस्तों। चलो खाओ खाओ, कैसी है, हम भी खा के देखते हैं। बहुत मस्त है, बहुत ही अच्छा स्वाद है इसका, बहुत अच्छा ना। आप भी दोस्तों एक बार ट्राई करना, अगर आपके पास ये होता हो तो। बहुत मस्त रोटी बनी है, सूखी रोटी खा जाएंगे हम, सब्जी का काम नहीं पड़ेगा ना। तो खाना पीना खा चुके हैं और जयाजी भी खा लिए हैं। अब दोस्तों जयाजी को दवा खिला देते हैं। तो चलिए दवा लाओ, उधर रखी होंगी, लाओ। हाँ जी, ये देखिए दोस्तों, कल इतनी दवा लेकर के आए थे। तो दोस्तों रोटी बहुत ही अच्छी थी और जया जी की पसंद की थी। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।